तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस ऑफिस का बेसिक एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट के बारे में। और पावर पॉइंट के हम इंसर्ट मेनू बार में थे, कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था टेबल्स के बारे में और पिक्चर्स के बारे में बात किया था। आज हम इलस्ट्रेशन एडिंग्स और बाकी जो चीज़ें उन पर डिस्कस करेंगे। तो इलस्ट्रेशन का पार्ट जो है ये आई थिंक अपडेटेड 2016 और 19 में है, उससे प्रीवियस वर्जन में नहीं है। यहाँ पर जैसे कि शैप्स जो कि हमें लास्ट क्लास में बताया था, शैप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइकन्स है कि आप आइकन्स को भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें, बट ये आइकन्स हमारा ऑनलाइन होता है जहाँ की डाउनलोड करना होता है सर। तो सर इसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मेरे पावर पॉइंट। हाँ, ये आपका कौन सा लग रहा है, 13 है क्या? 365 है। हेलो, यस सर, ऑफिस स्पेस है, मतलब ऑफिस कॉन्फिगरेशन है सर। ये कौन सा वर्जन, कौन सा है वर्जन का, ये ना 365 है। और ऑफिस विंडो कौन सा है आपका? विंडोज 7। विंडोज 7 पे आपका 2013 गया होगा, 13 या 16 होगा, क्योंकि विंडो ऑफिस 365 2019 के फॉर्मेट में विंडो 8 पे आता है। विंडो 10 पे आता है। तो इस तरह के जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह के आइकन्स अगर इंसर्ट करने हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी मान लीजिए पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ आइकन्स है आपके, जैसे हम लोग शुरुआती में कॉन्टेक्ट डिटेल डालते थे तो टेलीफोन का हम लोग ये देते थे, जैसे बैंकिंग, बैंक के बारे में देना चाहते हैं तो बैंक में मान लीजिए इस तरह का लोगो होता है, कंपनीज के लिए फैक्ट्री के लिए इस तरह का लोगो होता है, कंपनीज के लिए इस तरह का लोगो होता है, कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए इस तरह के लोगो वगैरह आप दे सकते हैं। जैसे कि आपने अटैचमेंट ओपन करना है, करवाने का लिंक देना है, तो इस तरह के अटैचमेंट का दे सकते हैं आप। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे फोल्डर का पाथ देना है, तो मैंने यहाँ पे फोल्डर का आइकन को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। तो ये एक तो बैंक का भी आ गया, तो बैंक का भी हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये फोल्डर का आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करते ही मेरा फोल्डर ओपन हो जाए, तो इस पर राइट क्लिक किया और इसी पे हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है, हाइपरलिंक को यहाँ लिंक कर दिया गया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपने फोल्डर का लोकेशन दे दीजिए कि किस फोल्डर की बात हो रही है। तो मैं जूम कर सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अब जब इस पर हम क्लिक करेंगे, जब हम स्लाइड स्लो करेंगे इस पर, जैसे F5 पे स्लाइड स्लो कर रहा हूँ मैं, तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मेरा जूम फोल्डर ओपन हो जाए। तो इस तरह की आइकन्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट ये आइकन आपकी इसमें नहीं आएगा, इसमें 2000 इसमें लोअर वर्जन में नहीं आता है। और इसमें आपके सामने एक आता है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी आप फाइल से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 3D मॉडल में 3 डायमेंशन होता है जिसको आप रोटेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एरोप्लेन को ले लिया, इंटरनेट से कनेक्टेड है, थोड़ा टाइम ले रहा है। इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए, देखिए जो ये आपका एरोप्लेन का है ना, अब इसको देखिए मूव कीजिए, दिख रहा है सर? यस सर, इधर पूरा ये 3D ऑब्जेक्ट को हमें एनिमेशन भी दे सकते हैं। हाँ, एनिमेशन के लिए आपको यहाँ देना पड़ेगा, इसका होता है बात, आगे बताऊँगा एनिमेशन में। ओके ओके, तो
ठीक है सर, इस तरह के 3D ऑब्जेक्ट दे सकते हैं आप। ठीक है, और इसके भी अलग एंगल्स हैं, किस एंगल में यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं या फिर इस एंगल एंगल होगा दे सकते हैं। तो डिजाइन यहाँ पे इंसर्ट में 3D मॉडल से, बाकी स्मार्ट आर्ट तो मैं लास्ट क्लास में बता ही था। चार्ट्स की बात हो गई, जैसे कि आपके कोई डेटा है जिसमें आप चार्ट लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पे रख सकते हैं। चार्ट इंसर्ट कर दिया और यहाँ ऊपर इसका डेटा आ गया, ठीक है। तो मेरा डेटा मंथ वाइज है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ कि मंथ यहाँ पे जैन फाइव मार्च इस तरह से नीचे ड्रैग कर देता हूँ। या फिर इसको कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है, मैं कर लेता हूँ एक्सेल सर। हाँ बोलिए। अगर मुझे PPT में चार्ट बनाना हो तो उसके लिए अलग से एक्सेल फाइल सेव करने की जरूरत नहीं फिर? नहीं नहीं, देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे हम सेल्स डेटा कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ चार्ट्स, इसका डेटा आ गया। अब इस डेटा के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसको डिलीट कर, चार्ट की भी अपनी फॉर्मेटिंग है। इसके लिए चार्ट डिजाइन पे आप जाएंगे तो इतने सारे चार्ट की डिजाइन है, जो डिजाइन आपके लिए सुटेबल लग रहा है उस डिजाइन को आप यूज कर लीजिए। चार्ट के अलग अलग फॉर्म, इसकी इसके ऊपर जो लिखे हुए सैप्स हैं इसके भी अपने अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और बाकी जो सेप्स की फॉर्मेटिंग करते हैं ऐसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चार्ट में सेम फॉर्मेटिंग आपके सामने दिख रहा है इस तरह की फॉर्मेट आप कर सकते हैं। तो एक्सेल चार्ट को इस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। एक्सेल चार्ट में सर कॉलम में फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? एक्सेल चार्ट के कॉलम में फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं सर। ठीक है, ओके, क्लिक करके आप यहाँ पे जाइए चार्ट टाइप एडिट डेटा, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो चार्ट सेलेक्ट करते थे कोई यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है सर, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है सर। ओके, और अलग अलग एंगल के चार्ट्स हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। ये चार्ट बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर, ओके। चलिए, अब चार्ट पर रजिस्ट्रेशन के बाद अगला टॉपिक हमारा होता है एडिंग्स का। एडिंग्स जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं ना सर, तो मोबाइल फोन में आपके प्ले स्टोर में आप अपने ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह से बने बनाए फॉर्मेट या फीचर्स को आप गेट एड इन से कर सकते हैं। ये आपके स्टोर से, यहाँ स्टोर दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप वो कर देगा, कुछ फ्री होगा और कुछ पेबल होगा। जैसे बैक वीडियो प्लेयर दिख गया आपको, हमने इसको ऐड कर लिया। कंटिन्यू, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे URL देना है YouTube का, विमो का। तो YouTube जैसे मैं YouTube का मान लीजिए कि इसी अपना जो भी है इसी का URL दे देता हूँ। ऑटोमेटिक प्ले या स्टार्ट एंड या कुछ और करना चाहते हो कर सकते हो आप। सेट वीडियो कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया सर। अब ये फाइव कर दीजिए यहाँ से, तो F5 करते ही आपका जो भी F5 में करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वीडियो प्ले होने लगेगा। ओके, मैं इसको स्किप करता हूँ।
इसको ब्रीफ, इस तरह की वीडियो आप यहां से प्ले करवा सकते हैं। ओके सर, मींस ऐप की तरह डाउनलोड किया एडिंस, और बहुत सारे एडिंस है उसका यूज आप कर सकते हैं। बहुत सारे पावर बी के टाइल्स है, पावर बी से जो चीजें हैं उसको यहां रख सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड है, इजी टाइमर है। इजी टाइमर का क्या यूज है, कंटिन्यू करता हूँ मैं। अब इजी टाइमर जैसे मान लीजिए कि आप, हम लोग इसकी ट्रेनिंग में यूज करते थे, तो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं राइट, यहाँ पे स्क्वायर है या डिजिटल है, डिजिटल कर लीजिए या स्क्वायर कर लीजिए, दोनों यहाँ पे आप बार कर लीजिए, इस तरह से बार भी आएगा, टाइमर होता है इसको, डिजिटल की बात कर ले। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ड्यूरेशन सेट कर दिया, मान लीजिए 2 मिनट, ठीक है। फिर जैसे ही मैं इसको ये करूँगा, F5 पे आता हूँ, आ गया सर, तो पर्टिकुलर ये हेडर में नहीं जा सकता ना, ये ईच एंड एवरी स्लाइड में ही रहेगा। नहीं, अपने हिसाब से कीजिए, देखिए हेडर और फुटर में भी जा सकता है। हाँ हाँ, हेलो, जैसे हाँ सर, इसको छोटा कर लीजिए ना, इसको छोटा कर लीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। मीन्स मतलब मेरा ये था कि इसको अगर हेडर और फुटर में डालेंगे तो सब स्लाइड्स में आ जाएगा पूरा प्रेजेंटेशन का टाइम। आप टाइम, ये अलग चीज है, वो टाइमर नहीं है सर, ये स्टॉपवॉच की तरह है, मतलब हाँ स्टॉपवॉच की तरह है। जैसे कि मान लीजिए ना कि हम लोग इसका यूज क्या करते थे, ट्रेनिंग में जाते थे, और ट्रेनिंग में जाने के बाद हम लोग क्या करते थे कि एक 5 मिनट का ब्रेक दे देते थे, या फिर एक क्वेश्चन दे दिया, 5 मिनट का टाइम दे दिया और घड़ी स्टार्ट कर दिया। ओके यहाँ से एडिंस है, जो जो एडिंस आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिंक्स है, लिंक में जैसे कि जूम है, यहाँ पे समरी जूम करना चाहिए, मैं कोई जूम स्लाइड को जूम स्लाइड पर रखना चाहते हो उसके यूज किया जाता है, कई सारे स्लाइड होते इसका इस्तेमाल किया जाता है, उस स्लाइड पे ऑटोमेटिक जूम हो जाता है, समरी को क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ बटन इसका यूज हम यहाँ ऐसे नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि हमने एक और एक मान लीजिए इसमें एक और इंसर्ट करता हूँ, और उस पर हम एक चार्ट इंसर्ट कर देते हैं, तो ऐसे कई सारे स्लाइड्स हमने बनाए हुए हैं, कई सारे स्लाइड्स हमने मान लीजिए बनाए हुए हैं, और फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इंसर्ट मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करके ओके कर, और इसको हमने यहाँ रख दिया, रख दिया। जैसे इस पर क्लिक होगा, मान लीजिए F5 करते हैं, मैं जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीधे उसी स्लाइड पे जूम की तरह हो जाएगा। ओके, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करता है। हाँ, मतलब दिखेगा। एक तो आप बोले जैसे इसको तो हम लिंक से भी कर सकते हैं, तो लिंक से करने पे ये नहीं होता है, लेकिन तो लिंक तो ओपन हो जाता है, लेकिन जूम की तरह फीलिंग देता है। जैसे जैसे F5 कीजिए यहाँ पे, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे जूम की तरह धीरे धीरे बढ़ा हुआ, बराबर है सर, तो जूम के लिए सर। अब यहाँ पे समरी जूम पे आते हैं और हम इसको इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से कई सारे चीज दे सकते हैं। ठीक है, समरी आ गया ना, राइट सर, समझे ना।
इसको एक बड़े चार्ट में मैं करूंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। ओके। उसके बाद लिंक है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके लिंक करना चाहते हो या फिर कोई एक्शन यहाँ देना चाहते हैं, जैसे माउस यहाँ पे लिंक पे हाइपरलिंक जैसा है ना सर। हाँ, हाइपरलिंक जैसा है। माउस ओवर में हमने बोलिया कि जैसे उस पर माउस जाए प्ले साउंड, ठीक है ना, हाईलाइट हो जाए जब मैं माउस जाए। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं स्लाइड में आऊँगा आप सुनाई दे रहे हैं सर, म्यूजिक आ रही है। जैसे क्लिक स्लैश ओपन या कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो इसका यूज कर सकते हैं एक्शन का, एक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। प्ले साउंड हो गया, माउस क्लिक क्लिक करने पे क्या हो, क्लिक करने पे एक प्रोग्राम रन हो जाए, कुछ और हो जाए, या रन मैक्रो रन हो जाए, तो ये चीज़ें हम यहाँ देते हैं। कमेंट तो आपको पता है कमेंट क्या है। बाद यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट बॉक्स मैंने बताया था, हिडन फुटर, हर स्लाइड के हिडन में कुछ डालना चाहते हैं, फुटर में कुछ डालना चाहते हैं। जैसे मैं डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर दिया एंड ओके अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो ये डेट जो है हर स्लाइड में आ जाएगा और सिस्टम डेट होगा, जिस दिन मैं ओपन करूँगा उस दिन का डेट आएगा, ऐसा नहीं कि डेट फिक्स हो गया, ठीक है ना। उस तरह से यहाँ पे नोट्स एंड हैंड आउट देना चाहते हैं, जैसे डेट एंड टाइम एंड कुछ और देना चाहते हैं, अप्लाई टू ऑल कोई होता है, डेट ही होता है कंप्यूटर में, इसका यूज कर सकते हैं। करेंट टाइम हो गया, स्लाइड नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है, मतलब कि मैं अपने इसमें स्लाइड में कोई अदर इसका एप्लीकेशन को रन करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने इस सीट में कोई डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट लाना चाहता हूं, और यहां पे देखिए ऊपर दिख रहा है एमएस वर्ड का आ गया, इसमें मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे इक्वल आर एन डी लैंड राइट के ओपन एंड क्लोज एंटर प्रेस किया तो आ गया। अब तो कहना मतलब कि जैसे आप बहुत सारे फॉर्मेटिंग वगैरह इसमें नहीं कर पाते हैं, तो डबल क्लिक करके आप एम एस वर्ड का फीचर ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि एम एस वर्ड में ही होती है, आपका पावर पॉइंट में नहीं होता। जैसे वाटर मार्क ले लीजिए, क्या मैं यहाँ पे वाटर मार्क ऐड करना चाहता हूँ उसमें, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे सर यहाँ पे आ गया ना सर। हेलो, यस सर, गॉट इट। हाँ, तो ये चीज़ अदर ऑब्जेक्ट लेकर आ सकते हो, उस पर इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन वगैरह कहीं जरूरत पड़ी तो डाल सकते हो। सैम्पल, इसमें अगर कोई सैम्पल इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा आपको, सैम्पल का देख लेना होगा। इसमें कोई सैम्बुल्स लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा सैम्बुल होता है ना जो कीबोर्ड में नहीं होता, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस आप कर सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कल हम आपको बताएंगे मीडिया के बारे में, मीडिया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इस सब की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप मीडिया के बारे में बताएंगे। ओके सर, ये प्रैक्टिस करने में अगर कुछ भी आते तो कल मैं, हाँ कल कर, ओके सर। हेलो सही।